भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक विपिन चंद्र पाल एक राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक और बेहतरीन वक्ता भी थे। 7 नवंबर 1898 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में एक कुलीन परिवार में पैदा विपिन चंद्र पाल को भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। वे सार्वजनिक जीवन के अलावा निजी जीवन में भी अपने क्रांतिकारी विचारों पर अमल करने वाले और स्थापित दकियानूसी मान्यताओं के खिलाफ एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने एक विधवा से विवाह किया जो उस वक्त दुर्लभ बात थी। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी और 1907 में बर्तानिया हुकूमत द्वारा चलाए गए दमन के समय विपिन चंद्र पाल इंग्लैंड चले गए। वहां वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस से जुड़ गए और स्वराज पत्रिका की शुरुआत की। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गरम दल के अभ्युदय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे आंदोलन को एक नई दिशा मिली और लोगों के बीच क्रांतिकारी भावना का अभ्युदय हुआ। विपिन चंद्र पाल ने आजादी की लड़ाई के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने और हड़ताल जैसे आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई। जीवन भर राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले भारत माँ के इस सच्चे सपूत का 20 मई 1932 को स्वर्गवास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।